हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट बाल विकास। और इस क्लास की जो टाइमिंग होती है वो रात के 10 बजे होती है और फर्स्ट सेमेस्टर का डेली एक मॉक टेस्ट होता है जिसका आंसर आप सभी को करना होता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहला आपका प्रश्न है कि अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक, स्कीनर, कोहलर और पावलाव। ठीक है, तो बताइए फ्रेंड्स प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है। बिल्कुल सही, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल ही करेक्ट है। अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है थॉर्नडाइक। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अवधान यानी ध्यान निहित है प्रेरक शक्ति में, अनुभव में, रुचि में, ज्ञान में। तो जो ध्यान है वो किस में निहित है। बिल्कुल ही सही है आप सभी का आंसर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो अवधान है यानी जो ध्यान है वो रुचि में निहित है। अगला आपका प्रश्न है कि नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कोहलबर्ग, थॉमसन, फ्रोवेल, जॉन ड्यूबी। तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है कौन है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड नैतिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक है वो है आप सभी के कोहलबर्ग। अगला आपका प्रश्न है कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह क्वेश्चन किसका है, थॉमसन का, हॉरलॉक का, क्रो एवं क्रो का फॉर्मल का, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया था। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल ही सही आप सभी का आंसर यहाँ पे हो जाएगा थॉमसन। ठीक है, यहाँ पे 23 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थॉमसन। यानी इनका जो स्टेटमेंट है कि बाल मनोविज्ञान सभी को क्या होता है एक नई दिशा में संकेत करता है यदि उसे उचित ढंग से समझा जा सके तो ये जो प्रत्येक बालक को एक सफल व्यक्ति बना सकता है ये जो कथन है ये थॉमसन जी का है। अगला आपका प्रश्न है कि सीखने का वक्र है एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है यह कथन किसका है, गिलफोर्ड का, फ्रोवेल का, जॉनसन का, स्कीनर का। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड 24 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीनर का। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है कि किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, मनोविश्लेषण विधि, तुलना विधि, प्रक्षेपण विधि, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है उसे हम जो बोलते हैं वो कहते हैं मनोविश्लेषण विधि। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि अल्पकालिक स्मृति है इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो अल्पकालिक स्मृति है क्या होगा। तो फ्रेंड बिल्कुल सही आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल इसमें जो होता है अल्पकालिक जो होता है इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र ही भूल जाता है। यानी यहाँ पे जो 26 का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अ। ठीक है, अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक है परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार, उपरोक्त सभी। तो रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। बिल्कुल सही आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। रुचि को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो आपके सभी हो जाएंगे। यानी यहाँ पे आपका परिवार की आर्थिक स्थिति भी हो जाएगी, विद्यालय का कठोर वातावरण भी हो जाएगा और अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है यह परिभाषा है रुथ वेंडिकट की, वुडवर्थ की, पी जिंसवर्थ की, एना स्टोशी की। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा।
बिल्कुल ही सही है, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो स्टेटमेंट दिया है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह जो परिभाषा दी है वो रुथ वैंडिकट की है, ठीक है। यानी 28 का ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है, पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा कि आपका जो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ, यानी जो पदार्थ है वो चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता, तो इसलिए 29 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पदार्थ, ठीक है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, BTC 2015 का पूछा हुआ प्रश्न है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने में योग्य होता है कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण, परिपक्वता, समंजन, आत्मशासन। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिपक्वता, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं DNA, PGN, RN, जीन्स। तो माता पिता एवं अन्य पूर्वजों से बालक को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होते हैं उनका वाहक, उसके वाहक जो होते हैं वो क्या होता है। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा जीन्स, ठीक है, यानी 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीन्स। अगला आपका प्रश्न है कि सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109, 100 से 115। तो बताइए फ्रेंड्स सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखिए सामान्य स्तर के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 90 से 109 के बीच में, यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया, एडवर्ड्स ने, मरी एवं मॉर्गन ने, स्टेनेहोल ने, सी कॉर्ड एवं बैकबेंड ने। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था, एडवर्ड्स ने किया था, मरी एवं मॉर्गन ने किया था, स्टेनेहोल ने किया था, या फिर सी कॉर्ड बैकबेंड ने किया था। तो फ्रेंड्स आप सभी का आंसर 33 का बिल्कुल ही सही है, यहाँ पे हो जाएगा मरे एवं मॉर्गन ने यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किया था। अगला आपका प्रश्न है कि बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 42, 52 या फिर 50। तो बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। बिल्कुल सही, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 46, यानी ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है, CAT, TAT, MAT, भाटिया बैटरी। तो ये जो पूछा है कि बुद्धि का मापन करता है, तो बताइए फ्रेंड कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। तो बिल्कुल ही सही फ्रेंड्स, आप सभी का जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, 35 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा भाटिया बैटरी, ठीक है, यानी 35 का ऑप्शन नंबर द। अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10 वर्ष, 5 से 10 वर्ष, 10 से 18 वर्ष, कोई नहीं। तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की जो अवधि मानी जाती है वो क्या होती है।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बाल विकास के अंतर्गत जो बाल्यावस्था की अवधि होती है, देखिए यहाँ वैसे 12 से 6 से 12 होता है बाल्यावस्था की अवधि, ठीक है, बट यहाँ 6 से 10 दिया है तो अब हम इसको ही मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि यही है एक ऑप्शन, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो आप सभी का ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 6 से 10 वर्ष, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है 11 से 18, 5 से 10, 6 से 12 या फिर 12 से 18। तो बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की जो अवधि मानी जाती है वो क्या होता है? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12 से 18 वर्ष, ठीक है। और अगर हम वही बात करें शैशवावस्था की जो आयु होती है वो होती है, शैशवावस्था की जो आयु होती है वो होती है जन्म से 5 वर्ष तक। तो ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इसको बहुत ही अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है पावलाव का, स्किनर का, फॉरवेल का, डॉल्टन का। तो संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। संबंध प्रतिक्रिया का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है किसने? तो ऑप्शन अ यानी पावलाव ने दिया है, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित सोच का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पुराकृति के सिद्धांत से, सभी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बिल्कुल आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित सोच का सिद्धांत को जानते हैं, वो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी से। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया बिल्ली पर, कुत्ते पर, शेर पर, भालू पर। तो थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था किस पे किया था? तो देखिए फ्रेंड, थॉर्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था यहाँ पे, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्ली पर। अगला आपका प्रश्न है कि संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों में यानी क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक है ब्रूनर, फॉरवेल, बिने, कोहलर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रूनर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर अ। इन्होंने बोला है कि संज्ञानात्मक विकास को तीन भागों में, ठीक है, इन्होंने बांटा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे 42 का आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स यहाँ पे 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ठीक है। यहाँ पे आप सभी का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी 42 का ऑप्शन नंबर ब यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ कर देता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताइए फ्रेंड क्या होगा 43 का आंसर? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, वह स्तर जो है वो हो जाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब देखिए अगला आपका 44 प्रश्न है कि निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है? जिन प्याजे, कोहलर, फॉरवेल
बिने। तो कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में विभाजित किया है? बिल्कुल सही, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अ, यानी जिन प्याजे जी ने बौद्धिक विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि थॉरडाइक के अधिगम के कितने गौण नियम हैं? 3, 4, 5, 6। बिल्कुल ही सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी 5। ठीक है, थॉरडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम दिए हैं? तो वो होते हैं 5। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास, भूख, निद्रा, प्रतिष्ठा। फ्रेंड्स आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है यहाँ पे 46 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रतिष्ठा। ठीक है, यानी 46 का ऑप्शन नंबर द प्रतिष्ठा, यानी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है आपका प्रतिष्ठा, और ये जितने भी होते हैं ये जन्मजात होता है। ठीक है, प्यास हो गया, भूख हो गया, निद्रा हो गया, ये क्या है? जन्मजात अभिप्रेरणा है। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेता है कि जन्मजात अभिप्रेरणा क्या क्या है, तो आप उसमें प्यास लिखेंगे, भूख लिखेंगे, निद्रा लिखेंगे। बट जब ऐसा क्वेश्चन आए कि अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है जिसमें अर्जित किया गया है वो अभिप्रेरणा, तो वहां पे प्रतिष्ठा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण रखने की असफलता कहलाती है? विस्मरण, प्रतिज्ञा, प्रत्याहन, आत्मशासन। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही फ्रेंड्स, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में जब असफलता मिलती है तो उसे हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं विस्मरण। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देंगे? परीक्षण करने की प्रवृत्ति को, स्मृति को, अनुशासन को, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं देगा तो वो होगा प्रति स्पर्धात्मक अभिवृत्ति को। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि शारीरिक रूप में अक्षम बच्चों को समानता होता है डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का, डिसमेथिया का, डिसक्लेवकिया का। तो बताइए फ्रेंड्स शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में समानता होता है किसका होता है? डिसलेक्सिया का, डिसग्राफिया का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो बिल्कुल राइट फ्रेंड्स यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होता है तो वो होता है यहाँ पे जो आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसग्राफिया। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वो सा को वास तथा न्यूक्लियर एवं को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता तो उसको क्या हुआ है? डिसलेक्सिया हुआ है, डिसकैलकुलिया हुआ है, या डिसग्राफिया हो गया है, या शब्द जंबलिंग हो गया है? ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमें जस्ट डिस्कस किया कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समान है तो जो होता है वो होता है डिसग्राफिया। और यहाँ जो पूछ रहा है, यहाँ ये पूछ रहा है कि एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त होता है वो सा को वाच, ठीक है, और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता तो उसको कौन सा क्या हुआ है? तो फ्रेंड बिल्कुल सही यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। यानी तो ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए, ये शारीरिक से संबंधित है और ये डिसलेक्सिया जो है वो अंतर नहीं कर पाता है तो वहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिसलेक्सिया। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्तिगत समानता, व्यक्तिगत विभिन्नता, और वो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा? जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था इसको। तो फ्रेंड्स
जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिक भिन्नता, यानी 51 का ऑप्शन नंबर ब। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है क्रोम क्रो फॉर्बेल किलपैट्रिक डगलस। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जो जन्मदाता है वो कौन है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता है वो है किलपैट्रिक, यानी 52 का ऑप्शन नंबर स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है प्रश्नावली विधि, मापन रेखा विधि, मनोनीत विधि, कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा मापन रेखा विधि, ठीक है। देखिए अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास का प्रमुख आधार है वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त और वो दोनों या फिर कोई नहीं। तो बताइए फ्रेंड बाल विकास का जो प्रमुख आधार है वो क्या है। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, यानी ये दोनों ही हो जाएगा, वंशानुक्रम हो जाएगा वातावरण, इसलिए यहाँ पे स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण है, यह कथन है रूथ वेंडिकट का, फ्रॉयड का, जोन्स का, पियाजे का। तो अभी हमने ये शुरू में डिस्कस किया था। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा रूथ वेंडिकट का। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त सभी। तो बाल विकास की अवस्थाएं हैं क्या होगा, तो फ्रेंड बिल्कुल ही सही, यहाँ पे जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज का लास्ट प्रश्न आपके लिए है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं और स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो ये आज के लिए आपके लिए प्रश्न है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब तक फ्रेंड्स आप पढ़ाई मत बंद करिएगा, ठीक है, जब तक एग्जाम का कोई भी जैसे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना आए, आप सोच रहे हो कि प्रमोट कर दिया जाएगा और क्या पता कि जल्दी से एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया जाए और फिर आप देख ही सकते हो पीएनपी को उसके संबंध में कुछ भी कोई भी नोटिस नहीं जारी कर रही है। तो मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं और इसी के डिपेंड पे वो बैठे हैं कि हो सकता है कि जो हमारा एग्जाम है इसको प्रमोट कर दिया जाएगा और वो अपना पढ़ना छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स आप अपना पढ़ना नहीं छोड़िए, ठीक है, जब तक कोई नोटिस नहीं आती है तब तक आप पढ़ते रहिए, हो सकता है प्रमोट भी हो जाए और हो सकता है नहीं भी हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि, हैव अ स्वीट ड्रीम, गुड नाइट।